न्यूज़शाली की तरफ से सभी दर्शकों को एक बार फिर जोरदार स्वागत है। इस वक्त की खबर आपको बताया चले कि अलवर राजस्थान से आ रही है। दिल्ली के अग्निकांड में पीड़ित लोगों को एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार साहब ने की मदद। पिछले दिनों दिल्ली में हुए अग्निकांड के मृत एवं जख्मी लोग के परिवारजनों को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार साहब ने आज 5 लाख और राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस के 5 लाख ऐसे ही कुछ 10 लाख की धनराशि की मदद की है। मदद उनके दैनिक जागरूकता पूरा करने के लिए की गई है। साथ ही सभी पीड़ित परिवार को पवार साहब के आगे भी मदद करने का आश्वासन दिया गया है। पीड़ित को जल्द से जल्द सरकारी मदद दिलवाने के पवार साहब खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से बात करेंगे। साथ में ही केंद्र सरकार से भी अपील करेंगे। किसी हादसे में दुख जताते हुए राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज शर्मा ने कहा है कि पीड़ित को हर मुमकिन के साथ ही मदद करेंगे और अगर सरकार ने जल्द से जल्द मदद नहीं पहुंचाई तो ऐसा एक बड़ा आंदोलन करेंगे। साथ ही राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस ने पीड़ित परिवार की लड़कियों की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी ली है। राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया दुहान, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महासचिव केजी जयोष्मान, राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शैलेश मोहिते पाटिल, राष्ट्रीय महासचिव अमीर जैद पौरवाला, राष्ट्रीय सचिव नीलकंठ त्रिपाठी भी उपस्थित रहे। प्राइम बीकन न्यूज चैनल के लिए राजेंद्र मेघवंशी की खास रिपोर्ट अलवर राजस्थान से। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।